रहते में क्या क्या रहता है? रहते में पुदीना और धनिया और अनारदाना होता है मिक्स। किसी का 50 का दिल करे, 60 का दिल करे, 100 का। यानी प्राइस फिक्स नहीं है, कोई 20 के भी मांगे तो दे देते हैं? नहीं, 20 से नहीं, 50 से कम नहीं, इसके ऊपर ही है। अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई। वालेकुम सलाम भाई जान, क्या हाल है? खैरियत से हैं? ये अल्लाह का शुक्र है भाई। चल नदीम भाई, कितना पुराना सेटअप है अपना? जब ये भाई 22-23 साल हो गया इसको। 22-23 साल हो गए जी भाई। तो आपकी उम्र तो 22-23 साल की नहीं लगती? नहीं, मेरी उम्र पैदा होते ही आ गए थे इधर। नहीं, मैं तकरीबन कोई 8-9 साल का था तो इधर भाई ले आया था। अच्छा अच्छा, पढ़ने का इतना शौक नहीं था तो भाई ले आए थे इधर। सही सही, इस वजह से। यानी 8 साल के थे तो आप यहाँ पे आ गए थे जी? सेटअप यहीं से शुरू से लगा था या किसी और जगह? यहीं पे। सही जी। तो क्या क्या होता है अपने पास? हमारे पास चिकड़ चने होते हैं, साथ में रायता सलाद और अचार है। सिर्फ चिकड़ छोले जी, रायता सलाद और साथ नान जी। सही। तो चिकड़ छोले में क्या क्या पड़ता है? इसमें मसालों में क्या क्या रहता है? मसाले इसकी काली मिर्च होती है, लौंग होता है, इलायची होती है, धनिया होता है, इस तरह और काफ़ी चीज़ें होती हैं इसके अंदर, मतलब मिक्स किए जाती है। अच्छा, चिकन छोले की खास बात क्या है? खास बात ये है, ये जो मरीज होते हैं ना, ब्लड प्रेशर के हो गया, ये हाई शुगर के हो गया, उनके लिए ये बहुत बेस्ट चीज़ है। वो कैसे? वो ऐसे, वो उनको आयल मना है ना, तो ये आयल के बगैर है। यानी ये आयल और घी के बगैर बनते हैं चिकन? जी बिल्कुल, आयल और घी के बगैर बनते हैं। दिखाईगा ये इसमें और क्या क्या डलता है मसालों के अलावा इसके अंदर? वो ये फार्मी चने हैं या दूसरे हैं? ये मियां वाली चने हैं। मियां वाली ये कंपनी के चने होते हैं। सही सही, मतलब वो फार्मी होते हैं ना? हाँ सही सही जी। इसमें टमाटर वगैरह, प्याज वगैरह कुछ नहीं पड़ता? कुछ भी नहीं डलता, वो बस अलग से होता, काट लेते हैं। सैलेट होता है, प्याज होता है, उसमें मेरे खीरे और गाजर होती है, पुदीना होता है। सही सही जी। और उसके बाद ये सलाद है, सलाद में क्या क्या रहता है? सलाद में गाजर और खीरा और प्याज है, तो पुदीना है। सही। और साथ में अचार जी? अचार अच्छा, है। अचार ये खुद तैयार करते हैं या? नहीं सर, ये खुद भी तैयार करते हैं तो बाजार से भी ले लेते हैं। यानी ये आप बाजार से लेते हैं? जी बाजार से लेते हैं। सही सही जी। और साथ में क्या ये? ये हरी मिर्च और टमाटर वगैरह होते हैं, वो आजकल महंगे ज्यादा है ना, इस वजह से नहीं ले हुए। टमाटर महंगे ज्यादा, इस वजह से नहीं ले रहे, सिर्फ सब्ज मिर्च है जी। सही रहता जी, ये रहता है। तो रहते में क्या क्या रहता है? रहते में पुदीना और धनिया और अनारदाना होता है मिक्स। धनिया चटनी बना के डालते हैं। सही सही जी। दीन भाई, अपने पास ज़्यादा रेगुलर कस्टमर आते हैं या वॉकिंग कस्टमर ज़्यादा आता है? ये रेगुलर भी आते हैं और वैसे भी ज़्यादा कस्टमर आते हैं, और रक्षा वालों भी ज़्यादा, मतलब कभी आता है। सही सही जी। तो इसकी प्राइस क्या रहती है? प्राइस मुख्तलिफ है, आपको बताया पहले भी, तो किसी का 50 का दिल करे, 60 का दिल करे, 100 का। प्राइस फिक्स नहीं है, कोई 20 के भी मांगे तो दे देते हैं? नहीं, 20 से नहीं, 50 से कम नहीं, इसके ऊपर ही है। यार अभी आप कह रहे थे जितने मर्जी ला लो, कट कर लो। अच्छा जी, 50 से ऊपर पर लेने? हाँ, 50 के ऊपर ऊपर जितने का दिल करे ले सकते हैं। वैसे प्राइस इसकी 150 की प्लेट है, 100 की है। सही सही जी। वैसे वो जिसका दिल करे, मतलब 50 के लेने हैं, 100 के लेने हैं, सही, वो ले सकता है। सही सही जी। तो दिन में कितने, मतलब वीक में कितनी लगाते हैं, कितने दिन? सारा हफ्ता लगाते हैं या छुट्टी होती बीच में? नहीं, छुट्टी कोई नहीं होती। छुट्टी कोई नहीं, 7 के 7 दिन लगते हैं। कितने बजे आते हैं, कितने बजे जाते हैं? सुबह हम 7 बजे आते हैं और 5 बजे चले जाते हैं। सुबह 7 से लेके 5 बजे चले जाते हैं। सही। तो इसके साथ साथ रोटी होती है या सिर्फ नान है? हमारे पास नान होता है। इसकी कोई डिलीवरी का भी होता है अगर किसी? नहीं, डिलीवरी का नहीं होता, ये पास नज़दीक से होता है, अगर कोई प्लाजे वाला अगर दफ्तर वगैरह खोल दे तो वो हो जाता है, पास से, मतलब दूर से नहीं होता। सही सही, जैसे नज़दीक में यहाँ पे चाहिए वहाँ पे देते हैं, लेकिन आप अपनी वो डिलीवरी वगैरह? डिलीवरी वाला सिस्टम नहीं है। सही। वालेकुम सलाम भाई, की हाल है? ठीक हो? दुआ सर आपकी, अल्लाह पाक का शुक्र है। अच्छा, कितने से तो खा रहे थे? इतने सर जी हो गया तकरीबन 10-11 साल हो गए ना। 10-11 साल तो तू खा रहे हो? जी बिल्कुल, तो खा रहे। की खास गल की है ये नदी? इन्हें सर जी सब तो गल अच्छी है कि इन्हें सफाई बड़ी अच्छी है। अच्छा, सफाई आम होटल, बड़े बड़े होटल ने अच्छे साफ सुथरे, बड़े जिन्हें ना है सफाई नहीं, जो इन्हों की सफाई है।
ਜ਼ਾਇਕਾ ਚਨਿਆਂ ਚ ਬਿਹਤਰੀਨ ਚਨੇ ਨੇ ਸਪੈਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਮਸਲਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਹਾਂ ਤੇ ਮਸਾਲੇ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਮਸਾਲੇ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਨੇ ਖਲਾਕ ਮੁਹੱਬਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਚਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਕ ਕਰਨੇ ਨੇ ਪਲੇਟ ਹੀ ਦੇਣੇ ਮੁਹੱਬਤ ਖਲਾਕ ਨਾਲ ਦੇਣੇ ਨੇ ਕੋਈ 50 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੰਗੇ 100 ਦੇ ਮੰਗੇ 80 ਦੇ ਮੰਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਸਹੀ ਸਹੀ ਆ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਪੇਟ ਭਰ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਹੀ ਸਹੀ ਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲ ਕਹੋਗੇ ਇੱਥੇ ਖਾਓ ਆਣ ਕੇ ਮਜ਼ੇ ਲਓ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਵੇ ਚਿਕਨ ਚਨੇ ਖਾਵੇ ਆਣ ਕੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਕੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਖਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਹਾਂ ਪੀਸੀ ਹੋਟਲ ਛੱਡ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਪੀਸੀ ਹੋਟਲ ਛੱਡ ਦੇ ਪੀਸੀ ਹੋਟਲ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਫਾਈ ਬੜੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਲਾਕ ਬੜਾ ਹੈ ਮਿਆਰ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜੀ ਭਾਜੀ ਮਿਆਰ ਹੈ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਸਕਦਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੇ ਤੋਂ ਖਾ ਰਹੇ ਆ ਸਭ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਸਹੀ ਸਹੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਭਾਜੀ ਸਾਡੀ ਪਲੇਟ ਲਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਲੇ ਟੇਸਟ ਕਰੀਏ अच्छा जी ये चने आ गए अभी इसके ऊपर क्या बात है जी हरी मिर्च आएगी हरी मिर्च को काट रहे हैं ब्रीक ब्रीक तो ये ज्यादा कड़वी हुई तो फिर मीठी है इतनी कड़वी भी नहीं होती है कड़वी नहीं होती ये सैलेड है ये सैलेड आएगा ये ऊपर आ जाएगा भाईजान अचार और ये क्या आएगा जी ये रहता है भाईजान रहता वाह जी वाह क्या माहौल बन गया अच्छा बैठे आप ले ये लग के आ गए हमारे चिकन चने इनकी खास बात यह है कि इनके अंदर ना ऑयल होता है ना घी होता है और ना ही टमाटर ना ही प्याज तो ये इसी तरह से बनाए जाते हैं इसके साथ इन्होंने हमें सब्ज़ मिर्च डाल के दी है रायता सलाद और ये अचार और साथ में नान ये भजन और इसकी प्राइस 50 रुपये से स्टार्ट होती है और आगे आप जितनी मर्जी वो ना ऐड करवा सकते हैं क्वांटिटी ये सिर्फ 50 रुपये के हैं ये देखने कितनी इसकी क्वालिटी है क्वांटिटी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसकी ऑप्टिमम बाइट लेंगे हम आयो बस ऐसे इसकी ऑप्टिमम बाइट लेनी है ये और साथ में ये थोड़ा सा अचार ले भाई जान बिस्मिल्लाह रहमान रहीम वाह जी वाह मज़ा आ गया लो जी भाजी मेरी तरफ को पास हो गए ने बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है बड़ा ही हल्का सा इसका वो है मतलब मसाले बड़े हल्के से पड़े हुए हैं और जब आप इसकी ऑप्टिमम बाइट लेके खाते हैं तो आपको ना बहुत मज़ा आता है बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है ना गले को लगते हैं ना वो ज़्यादा जो है ना इरिटेशन करते हैं तो बड़ा ही साफ सा खाना है और बहुत ही सस्ता खाना है अगर आप लाहौर में रहते हैं और आप बहुत सस्ता खाना खाना चाहते हैं और शुगर फ्री और आपको अगर कोई दिल का इशू है और आप घी और ऑयल के बगैर वाला खाना खाना चाहते हैं तो ये चने बिल्कुल बेस्ट है तो ये बरकत मार्केट में आप आएंगे लाहौर बरकत मार्केट गार्डन टाउन वहाँ जो ब्रिज है उसके नीचे ये साथ इनका सेटअप लगा हुआ है तो मैं अभी इनको फिनिश करता हूँ और आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में शुक्रिया